ओ हेलो एवरीवन, कैसे हो हमारे स्कारफॉल के प्लेयर्स एंड सपोर्टर्स। तो यार आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आ चुका हूँ स्कारफॉल टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। ये वीडियो है जिसमें कि आप नोवा मैन बंडल को सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर पा सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हो कि नोवा मैन बंडल को कैसे एक दिन के अंदर पाया जाए। ठीक है, प्रोसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं प्रोसेस फॉलो करके मैंने इस बंडल को पाया है फ्री में, वो भी एक दिन के अंदर, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम सीधे आ गए हैं मंथली मिशन वाले जहाँ पे इवेंट है उसके अंदर, और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी इमोट्स आए हुए हैं, न्यू कैरेक्टर आए हैं, सारी चीज़ें आई हुई है। और जैसा कि यहाँ पे एक कैरेक्टर विश्वनाथ भी करके है, जिसको कि आप 1800 मिनट खेल के पा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सीधे चलता हूँ यहाँ पे अपने जो मेन कैरेक्टर है नोवा मैन बंडल के पास में, कि वो कैसे आपको मिलेगा। तो सीधे सीधे हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे एसेसिनेटर में। ठीक है, और यहाँ पे एसेसिनेटर जैसा कि देख पा रहे होगे इस इवेंट में आपको आना है, और नीचे देखिएगा तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्ले वन सर्वाइवल मूड ऑन 15 यूनिक डेज, मतलब कि 15 दिन तक आपको खेलना है और हर दिन एक सर्वाइवल मूड खेलने के बाद ही ये कैरेक्टर अनलॉक होगा। लेकिन जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, उस टिप्स एंड ट्रिक्स के बदौलत आप एक दिन के अंदर ये कैरेक्टर को अनलॉक कर लेंगे। तो एकदम पूरा वीडियो देखना, इसके बिल्कुल मत करना। अब आपको सिंपल सा काम ये करना है कि जो सर्वाइवल मूड आप नॉर्मल में खेलते हो, वो सर्वाइवल मूड आपको नॉर्मल में नहीं खेलना है। अगर आप नॉर्मल में खेलोगे तो आपको 15 दिन बाद कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन अगर वहीं पे आप सर्वाइवल मूड जो है वो प्राइवेट रूम में बना के खेलोगे 15 सर्वाइवल मैच, तो आपको हो सकता है कि अगर एक दिन के अंदर आप पूरा 15 सर्वाइवल मैच खेल लियो तो आपको एक दिन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लेके खेलना चाहते हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो भी मैच खेलिएगा आप सर्वाइवल मूड का, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में खेलिएगा, तभी ये कैरेक्टर आपको जल्दी मिलेगा। अब यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि अगर आप प्राइवेट रूम बना के सर्वाइवल मूड में जाके बस एक दो इमोट करके एग्जिट करते हो तो भी आपको कैरेक्टर मिल सकता है, या फिर एक दो बंदे को मार के अपने मर जाते हो प्राइवेट रूम के अंदर तो भी आपको कैरेक्टर मिल सकता है। लेकिन जो मैंने ट्राई किया है वो ये ट्राई किया है कि गेम के अंदर आपको जाना है, प्राइवेट रूम बनाना है, उसके बाद पूरा गेम खेलना है और गेम को विन करना है, तभी वो गेम ऐड किया जाएगा एक मैच के बराबर। ठीक है, तो अब आपका कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, शू टेक केयर एंड लव यू गाइस।